कुटिला सोचती भगवान कृष्ण मुझसे प्रेम करें। सब बिलगोपी तो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन कुटिला सोचती है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करे, वो किसी को चाहे ही ना, तो कुटिल ना कुटिलता कपट व्यवहार इसका मेरा मेरा। उन्होंने आगे देखा कि कृष्ण आया हुआ है, फोन स्पोर्ट चंगे हाथ पकड़ाऊंगी तो जब माँ भाई मारेंगे ना तो विद्वार आने को सीखी करेगा, फिर तो मेरे पास भी आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे प्रेम करेगा। तो प्रेम तो ऐसा होता नहीं, प्रेम तो सोची अपरक्ष भाव होता अपना। उसने जाके कह दिया माँ से तुम्हारी घर तो बिगड़ गई, ये कोई आगे अकेले में वो कृष्ण आया हुआ और कृष्ण मिल रही। उन्होंने आके देखा अभिमन्यु जटिला कृष्ण के विग्रह में काली का दर्शन। और ये कथा कहते कृष्ण काली बनेंगे, काली क्यों बनेंगे, काली बनी जरूरी चीज बनेंगे, भगवान कृष्ण बिना कारण के तो कोई लीला करते कुछ करते नहीं है, लेकिन वो काली के उनके पास काली की प्रार्थना करते तो काली का दर्शन हो गया। राज रानी काली की सेवा कर रही है, हे श्यामा श्यामा, ये समझते थे श्यामा काली की पूजा कर रहे हैं, और राधा रानी के श्याम माँ मेरे श्याम, उन्होंने देखा ये काली पूजा कर रहे हैं, उन्होंने कुटिया को डांट दिया। अरे हमारे घर में तो हमारी बहू तो इतनी दिव्य शक्ति वाली है कि जिसके पास में देविया स्वयं पूजा कराने आती है, हमको काली का दर्शन करना पड़े करना है तो पहले कलकत्ता का दर्शन कराओ, फिर गाड़ी लो, फिर गाड़ी में बैठ के वहां पे जाओ, फिर लाइन में लगो जाओ, काली दर्शन होगा। वैष्णो देवी का दर्शन करना है जम्मू का दर्शन कराओ, फिर कटरा के लिए बस में जाओ, फिर चढ़ के जाओ, फिर लाइन में लगो जब जाके वैष्णो दर्शन होगा। लेकिन राधा रानी की कृपा से हमें तो घर बैठी देवी शक्ति हो गई। तो उन्होंने कुटला को डांट दिया, कुटला रोने लगी बाहर जाके, भगवान कृष्ण उसी के सामने होकर निकल जाने लगे नंदगांव को। कुटला गाली देने लगी, तुम झूठ हो, तुम कपटी हो, तुम सकल के भी काले, तुम बन के भी काले हो, मैंने तुमको देखा था राधा रानी पास में, पर तुमने मुझे झूठा बना दिया। ठाकुर श्याम सुंदर बोले कुटले तुम्हारे कारण तो हमारा राधा रानी से मिलन हुआ है, तुम्हारे कारण तुम्हारी ये लीला संपन्न हुई है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण लीला प्रसुप्त हो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कलयुग का अति प्रताप सताएगा तो क्या हुआ, मेरी कथा नाम रूप कीर्तन यही काम आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीला करते न कि कोई टीवी शो बनाना, कोई मोबाइल पर चैनल चलाना, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कुटला लगा लेना, रोष करना, ये भगवान की भक्ति के लक्षण है। अगर वो आई होते अरे ये कुटला तो ऐसी बुरी है, जटला तो ऐसी बुरी है, अरे ऐसी बुरी होती बुरी बचते तो भगवान कृष्ण तीन ही अपनी लीला में कैसे आएगा सब दे बोल जाएंगे ये उसी समय का मकान है, अरे उस समय का मकान कहाँ से आएगा।